लेकिन आपने एक ऐसी बात कह दी शशांक जी जो मेरे कानों में गूंज रही है। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, तो ये बात आपने कही, ठीक है आपने कही। मैं चुनाव कवर करने के लिए हापुड़ की तरफ गया था, तो वहां पर जितने नेता बैठे थे, विधायक या पूर्व विधायक, सब करोड़पति, तो मैंने एक चीज पूछी कि गरीब आदमी फिर कैसे चुनाव लड़ेगा। सुनिएगा, सवाल सुनिएगा, गरीब आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा। तो एक बड़ी दिलचस्प बात कही वहां के एक युवा ने, बड़ी दिलचस्प बात कही युवा ने, कहा वो समाजवादी पार्टी का था, उसने कहा कि अगर अल्टो गाड़ी लेकर अखिलेश यादव जी के बंगले में जाएंगे तो उसका दरवाजा भी नहीं खोलेंगे लोग, और अगर महंगी चार फॉर्च्यूनर लेकर जाएंगे तो दरवाजा भी खुलेगा, स्वागत सत्कार भी होगा। तो अगर अल्टो गाड़ी लेकर एक गरीब आदमी जो चुनाव लड़ना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, अगर वो पहुंचता है तो आपके दरवाजे तक ना खुले, और फॉर्च्यूनर चार पहिया बढ़िया गाड़ी, छह लोगों का, छह गाड़ियों का काफिला, तो आप दरवाजे भी खोले, तो गरीबों की पार्टी कहां से हुई? मैं दुनिया की बात नहीं करता सर, मैं अपनी बात करता हूं। मैं आप तो पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, तो आपने कहा गरीबों की पार्टी, गरीबों की पार्टी कैसे? हां सर, उसी लिए कौन से गरीबों की पार्टी होती है जो खुद अमीर हो जाती है? हां सर, कपड़ा भी सफेद, जूता भी सफेद, पांच उंगलियों में पांच अंगूठी, गले में जिससे बकरी बांधी जाती है वो वाली चेन सोने की, गरीबों की पार्टी। देखिए सर, मैं समाजवादी पार्टी का एमएलसी आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मेरे एक उंगली में एक अंगूठी है, मेरे जो है हर की दी हुई, ना कोई चेन है मेरे पास, और मैं 6 साल से एमएलसी हूँ, और मैं इनकम टैक्स पेयर भी हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी भी अभी कर्जे पर है और मेरा मकान भी कर्जे पर है, और मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष भी रहा। मैं एक मामूली सा व्यक्ति, कार्यकर्ता से मुझे जिलाध्यक्ष बनाया और जिलाध्यक्ष से मुझे एमएलसी बनाया। समाजवादी पार्टी में वो शख्स जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां से 200-250 किलोमीटर की रेंज में मेरा कोई रिश्तेदार नातेदार भी नहीं, ना मेरी बिरादरी जिले में मैं बिलोंग करता हूँ। समाजवादी पार्टी ने हमेशा मेरिट को बढ़ावा दिया है, और जिस हापुड़ गाजियाबाद की आप बात कर रहे हो, लेकिन उसके साथ आप आजमगढ़ की भी बात कर लो, उसके साथ आप बात कर लो गोरखपुर की भी, आप बात कर लो हमारे लखनऊ की भी, हमारे सीतापुर की भी, लखीमपुर खीरी की भी, वहां के कार्यकर्ता आपको फॉर्च्यूनर वाले नहीं मिले। और जो चीज लोग कह रहे हैं, मेरी खुद की गाड़ी जो है, जो मेरी कर्जे में गाड़ी है, वो कार्यालय से 10 मीटर दूर रुक जाती है, हम लोग पैदल चल के जाते हैं। हम चाहे फॉर्च्यूनर से आइए, चाहे अल्टो से आइए, कार्यालय के अंदर हम पैदल ही जाते हैं। वहां पर ये पता नहीं टीवी साथी ने जो बात कही होगी वो कितना सही है, वो तो वो जाने, लेकिन मैं तो अपना बता रहा हूँ। 11-12 साल जिला अध्यक्ष रहा हूँ, मैं एमएलसी रहा हूँ, लेकिन हम लोग आज भी नियम का पालन करके नहीं, अपवाद तो हर जगह है। फिर अगर आप अपनी बात कह रहे हैं, वो अपवाद तो हर जगह है, और ये अच्छी बात है, आपने जो बातें कही अच्छी बात है, आपने स्क्रीन पर इस बात को रखा, लोग देखेंगे और समझेंगे।